हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इक्वेशन चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स सो so, ये एक प्रॉब्लम ए ट्रेन ट्रेवल्स थ्री सिक्सटी किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन फाइव किमी मोर फाइव किमी पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन वन आवर लेस फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सो इसमें क्या बताए तीन सौ साठ किलो किमी का एक डिस्टेंस है जो एक ट्रेन ट्रेवल करता है पर्टिकुलर स्पीड में अगर इसका स्पीड को पाँच किमी और बढ़ाया गया तो उसमें जो टाइम लगेगा एक घंटा कम लगेगा ओके okay. अगर उसका स्पीड को हम पाँच किमी बढ़ाते हैं तो यहाँ पे पूछा गया ट्रेन का स्पीड है क्या है स्पीड को अगर हम पाँच किमी बढ़ा देते हैं तो उसमें जो टाइम लगेगा ओके okay, वो एक घंटा कम होगा सो so, सपोज लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स किमी पर आवर ओके सो सो टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस थ्री सिक्सटी किमी इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई एक्स ओके कितना आवर्स लगेगा अगर यह है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड अभी उसका अगर हम स्पीड को पाँच किमी बढ़ा दें तो उस समय कितना टाइम लगेगा इफ स्पीड इंक्रीज बाई फाइव कीमी सो न्यू स्पीड इजल टू एक्स प्लस फाइव कीमी पर आवर ओके सो अभी टाइम कितना लगेगा थ्री सिक्सटी कीमी जाने में एक्स प्लस फाइव आवर्स ओके ये इतना टाइम अभी लगेगा अगर उसका पाँच किमी पर आवर स्पीड इंक्रीज किया सो so, यहाँ पे बोला गया कि अगर ये जो टाइम है एक्स किमी पर आवर स्पीड में जितना टाइम लगेगा और इसको अगर स्पीड को हम पाँच किमी बढ़ा देते हैं ये इस टाइम से कम है एक घंटा कम है सो so, हम लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी बाई एक्स माइनस थ्री सिक्सटी बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन ये वन आवर ये जो टाइम है माइनस स्पीड को अगर हम पाँच किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते तो ये जो टाइम है ऑब्वियसली इस टाइम से कम होगा ये जो टाइम है इसमें जितना टाइम लगेगा स्पीड बढ़ाने से टाइम और कम लगेगा ओके सो यहां से हम लिख सकते हैं प्लस फाइव इक्वल टू थ्री सिक्सटी एक्स प्लस एट्टीन हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी एक्स इक्वल टू वन ओके सो ये कट गया यहाँ से हम लिख सकते हैं एट्टीन हंड्रेड एक्स स्क्वायर फाइव एक्स इक्वल टू वन सो एक्स स्क्वायर पर फाइव एक्स इक्वल टू एट्टीन हंड्रेड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एट्टीन हंड्रेड इक्वल टू जीरो के एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस फोर्टी एक्स टू वन एटीन हंड्रेड एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं एक्स प्लस फाइव माइनस फोर्टी एक्स प्लस एक्स प्लस फोर्टी फाइव x plus 45 minus plus x plus 45 equal to 0. So finally x plus 45 in फोर्टी ओके okay. और यहाँ पे हो गया एक फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो सो एक्स इक्ल टू माइनस फोर्टी फाइव सो यह है ये तो माइनस नहीं हो सकता सो so, यह है ट्रेन का स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर ओके सो और एक प्रॉब्लम है

साइड्स को एक्स लेते हैं और एक स्क्वायर है इसके साइड को हम वाई लेते हैं तो इसका एरिया कितना होगा स्क्वायर, इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर सो ये यहाँ पे बताया गया सम ऑफ द एरियाज़ ऑफ़ द टू स्क्वायर्स सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर सिक्सटी एट एंड समिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स तो पेरीमीटर्स क्या है फर्स्ट स्क्वायर का फोर एक्स पेरीमीटर है फोर एक्स और इसका पेरीमीटर है फोर वाई सो फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो ये एक इक्वेशन है ये एक इक्वेशन है ओके सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर कॉमन लिया ट्वेंटी फोर से एक्स माइनस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई फोर

सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर इक्वल टू फोर सिक्सटी एट सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको भी टू ए बी टू ए है एक्स बी है सिक्स सो ट्वेल्व टू इंटू एक्स इंटू टू सिक्स सो माइनस टू ए बी और ये सिक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस फोर सिक्सटी एट इक्वल टू जीरो फोर थर्टी टू अभी इस क्वेश्चन को अगर हम दो से डिवाइड कर दें तो ये आया फाइनली सिक्सटीन जीरो ओके यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं एक्स माइनस एट्टीन प्लस ट्वेल्व x माइनस एट्टीन इक्वल टू ज़ीरो एक्स इक्वल टू एट्टीन ओके और यहाँ से एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व सो ये तो हो नहीं सकता सो so एक्स का वैल्यू है एट्टीन अभी अभी हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो वाई आएगा एक्स एट्टीन माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व ओके सो एक्स का वैल्यू आया एट्टीन और y का वैल्यू आया ट्वेल्व सो so ये है साइड्स x है एट्टीन ये है इसका साइड है ये एक्स ये है ट्वेल्व ओके okay. ये एक प्रॉब्लम है अभी और एक प्रॉब्लम है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेहमान एजेस इन ईयर्स थ्री ईयर्स एगो एंड फाइव इंस फ्रॉम नाउ इज वन थर्ड सो so, रहमान का जो एज है तीन साल पहले जो एज था उसका रेसिप्रोकल प्रोकाल एंड पाँच साल के बाद जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल प्रोकाल का जो शाम है वन थर्ड है सो so, अगर हम रहमान्स का एज प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स ओके सो so, थ्री ईयर्स एगो एज होगा और फाइव नाउ एज होगा थ्री थ्री ईयर्स एगो उसका एज होगा इतना फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ एज होगा इतना तो यहां पे बताया गया इसका रेसिप्रोकल प्लस फाइव वर्ड्स फ्रॉम नाउ इसका रेसिप्रोकल इसका जो शाम है यह है ओके सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव वन थर्ड सो टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन वन थर्ड टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टी वन थर्ड ओके इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके सिक्स एक्स प्लस सिक्स लेफ्ट साइड में लेते हैं तो इसका तो एज नेगेटिव नहीं हो सकता तो ए, उसका अभी प्रेजेंट एज है सेवेन ईयर्स ओके ये है आंसर थैंक यू